हिंदू हृदय सम्राट जिन्होंने राम मंदिर के लिए कुर्बान कर दी थी मुख्यमंत्री की कुर्सी। राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार थे कल्याण सिंह। उनका जाना भारतीय राजनीति के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। छवि ऐसी कि विपक्ष भी उन्हें दिग्गज का दर्जा देता था। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ के मडौली गांव के एक किसान परिवार में जन्मे कल्याण सिंह युवावस्था में ही हिंदुत्व की विचारधारा की ओर खींचे चले आए थे। उस समय जब राजनीतिक परिदृश्य में नेहरूवादी कांग्रेस का दबदबा था, इस नई राह पर चलना आसान नहीं था। लेकिन एटा के अतरौली के रायपुर इंटर कॉलेज में सामाजिक विज्ञान के इस युवा शिक्षक को इस नई डगर पर चलने में कोई चुनौती नजर नहीं आ रही थी। नतीजतन उन्होंने क्षेत्र में अपने आप को भारतीय जनसंघ के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में स्थापित किया और 1967 में जनसंघ के टिकट पर अतरौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। कल्याण सिंह उन पहली पंक्ति के नेताओं में शुमार माने जाते थे जिन्होंने जनसंघ की विचारधारा को आगे बढ़ाना शुरू किया था। संगठन में राजनीतिक तौर पर मजबूत स्तंभ माने जाने वाले कल्याण सिंह धीरे धीरे भारत में लगातार बन रहे नवीन सामाजिक समीकरणों को कुशलता से साधने का प्रयास कर रहे थे। इस तरह एक पिछड़ी जाति का नेता हिंदुत्व का चेहरा बनने लगा था। चुनाव जीतने से लेकर 1977 तक यानी लोकतंत्र के काले अध्याय माने जाने वाले आपातकाल के बाद के युग में कल्याण सिंह ने अपने निर्वाचन क्षेत्र पर एक मजबूत पकड़ बनाए रखी और लगातार 3 चुनाव जीते। लेकिन कल्याण सिंह के राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा मोड़ 1977 में आया। दरअसल आपातकाल के बाद हुए चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था और राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की शक्ल में जनता पार्टी सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी। कल्याण सिंह अब जनता पार्टी के विधायक थे और उन्हें राज्य की पहली गैर कांग्रेसी सरकार में मंत्री बनाया गया था। तब तक जनसंघ ने अपना विलय जनता पार्टी बनाने के लिए अनेक कांग्रेस विरोधी दलों के साथ कर लिया था। हालांकि जनता पार्टी का अस्तित्व भारतीय राजनीति में एक बुलबुले मानिंद साबित हुआ और 1980 के अगले ही विधानसभा चुनाव में पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। लेकिन तब तक आपातकाल और जेपी आंदोलन आरएसएस की राष्ट्रवादी बहुसंख्यकवादी राजनीति को एक नया जीवन दे चुके थे और इसी साल यानी 1980 में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई। तब तक कल्याण सिंह आरएसएस, जनसंघ और जनता पार्टी में अपने आप को मजबूती के साथ साबित कर चुके थे और जाहिर तौर पर वे भाजपा से जुड़कर उस राज्य में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले थे जो आने वाले वर्षों में हिंदुत्व और भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला साबित होने वाला था। आरएसएस के प्रचारक मंगीलाल शर्मा को अपना गुरु मानते थे कल्याण सिंह। कहा जाता है कि कल्याण सिंह को राजनीति में लाने का श्रेय आरएसएस के प्रचारक मंगीलाल शर्मा को जाता है। जानकारों की माने तो जब कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस दौरान उन्होंने मंच से मंगीलाल शर्मा का स्मरण करते हुए उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बताया था। कल्याण सिंह राजनीति में नहीं बल्कि संघ में ही रहकर काम करना चाहते थे, लेकिन मंगीलाल शर्मा के कहने पर वह राजनीति में आए और लगातार बुलंदियों को छूते चले गए। साल 1967 में कल्याण सिंह ने अपना पहला चुनाव अतरौली से जीता था और इसके बाद वह यूपी विधानसभा पहुंचे थे। राम मंदिर के लिए कुर्बान कर दी थी सीएम की कुर्सी। कल्याण सिंह का राजनीतिक सफर संघर्षपूर्ण रहा। अपने राजनीतिक जीवन में वे कई विवादों से भी घिरे रहे। कल्याण सिंह का जाना भारतीय राजनीति के लिए एक ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। कल्याण सिंह ने राजनीति में अपनी एक अलग छवि बनाई जिससे कई लोगों को उनकी विचारधारा पसंद नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उन्हें उनके विरोधी एक दिग्गज नेता के रूप में मानते थे। राम मंदिर आंदोलन में तो उनकी ऐसी सक्रियता रही कि उन्हें अपनी सीएम की कुर्सी तक कुर्बान करनी पड़ गई थी। कल्याण सिंह की इस कुर्बानी को देश की जनता हमेशा याद रखेगी। दरअसल 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था और इस आंदोलन के सूत्रधार कल्याण सिंह ही थे। उनकी बदौलत यह आंदोलन यूपी से निकला और देखते ही देखते पूरे देश में बहुत तेजी से फैल गया। उन्होंने हिंदुत्व की अपनी छवि जनता के सामने रखी। इसके साथ ही उन्होंने आरएसएस को भी अपने साथ मिलाया जिससे आंदोलन ने और जोर पकड़ लिया। बता दें कि कल्याण सिंह शुरू से ही आरएसएस के जुझारू कार्यकर्ता थे। इसका पूरा फायदा यूपी में भाजपा को मिला और 1991 में यूपी में भाजपा की सरकार बनी थी। कल्याण सिंह के नेतृत्व में भाजपा के पास पहला मौका था जब यूपी में भाजपा ने इतने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई थी। जिस आंदोलन की बदौलत भाजपा ने यूपी में सत्ता पाई उसके सूत्रधार कल्याण सिंह ही थे, इसलिए मुख्यमंत्री के लिए कोई अन्य नेता दावेदार था ही नहीं। उन्हें ही मुख्यमंत्री का ताज दिया गया। कल्याण सिंह के कार्यकाल में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। एक लाइन का वह इस्तीफा जिसे लेखक कल्याण ने ली विवादित ढांचा विध्वंस की जिम्मेदारी और छोड़ दी कुर्सी। तारीख 6 दिसंबर 1992 का दिन जब उनके जीवन की सबसे बड़ी घटना हुई, जब अयोध्या में विवादित ढांचा तोड़ डाला गया।
कल्याण सिंह लखनऊ के कालिदास मार्ग स्थित अपने घर पर थे, जिस वक्त अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। कल्याण सिंह अपने आवास पर बैठे अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे और रणनीति बना रहे थे कि ढांचे के विध्वंस के बाद सरकार को क्या करना चाहिए। तमाम बातचीत के बाद कल्याण सिंह ने यह फैसला किया कि ढांचा विध्वंस की जिम्मेदारी वह खुद लेंगे। कल्याण अपने इस फैसले पर अडिग थे और उन्होंने इसके लिए अफसरों को फाइलों के साथ घर बुलाया। कल्याण सिंह ने मुख्य सचिव और डीजीपी को इस संबंध में लिखित आदेश दे दिया कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोली न चलाई जाए। राज्यपाल नहीं दे रहे थे इस्तीफा सौंपने के लिए मिलने का समय। कल्याण ये मन बना चुके थे कि अब सरकार से इस्तीफा दे दिया जाए। उन्होंने अपने प्रोटोकॉल अफसर से कहा कि राजभवन जाना है, तैयारी कीजिए। अफसरों में उहापोह की स्थिति बन गई, क्योंकि तत्कालीन राज्यपाल सत्यनारायण रेड्डी से मिलने के लिए कोई समय नहीं लिया गया था। दरअसल राज्यपाल सत्यनारायण रेड्डी असमंजस की स्थिति में थे। वह यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कल्याण सिंह से इस्तीफा लिया जाए या सरकार को बर्खास्त किया जाए। राज्यपाल इस संबंध में पीएम पीवी नरसिम्हा राव से राय लेने की कोशिश में थे, लेकिन जब तक बात हो पाती कल्याण सिंह कालिदास मार्ग के अपने घर से राजभवन की ओर निकल चुके थे। बिना समय लिए राजभवन पहुंच गए कल्याण। कल्याण सिंह की गाड़ियों का काफिला कुछ मिनट बाद राजभवन पहुंचा तो वहां अजीब सी स्थिति बन गई। राजभवन की मुख्य इमारत में मुस्कुराते हुए दाखिल हुए कल्याण सिंह ने अपने लेटर पैड का एक पेज राज्यपाल के हाथ में पकड़ा दिया और अब तक मिले सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। कागज पर लिखा था, मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, कृपया स्वीकार करें। हालांकि कल्याण ने इस्तीफे में यह अनुरोध नहीं किया कि राज्यपाल विधानसभा को भंग कर दे। कल्याण ने कहा कि 6 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय गर्व का विषय। कल्याण सिंह ने कुर्सी छोड़ दी, लेकिन उस रोज वे हिंदुत्व की राजनीति का एक प्रखर चेहरा बन गए। अपने पूरे जीवन में कल्याण सिंह ने कभी भी विवादित ढांचे के विध्वंस पर खेद नहीं जताया। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या आपको इसका अफसोस है, तो कल्याण सिंह का जवाब था, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। इसके बाद कल्याण सिंह ने वह राजनीतिक कदम उठाया जिसकी उम्मीद बहुत कम लोगों को रही होगी। असल में जन क्रांति पार्टी बनाने के बाद कल्याण सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव के साथ गठबंधन कर लिया। बता दें कि ये वही मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने 1989 में अपनी सरकार के समय में कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे, और इसके चलते भाजपा उन्हें खलनायक के रूप में चित्रित करती रहती थी।